अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम हो गया आपका अब फ्रेंडशिप ऑफिशियल ब्लॉग में। अभी बज रहे शाम के 7:30। तो वीडियो ब्लर दिख रहा है, मोबाइल ब्लर दिख रहा है शायद से, सब कुछ तो खराब हो रहा है। मेरा मोबाइल है ना, अभी इसकी एक्सपायरी हो गई, ख़त्म। मोबाइल अभी बहुत मैंने यूज़ कर चुकी हूँ, शायद से मोबाइल लेके मेरे को 3-4 साल हो गया। अभी मोबाइल मुझे लगता है दूसरा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी अभी क्लैरिटी भी बराबर नहीं आ रही है और बहुत सारा प्रॉब्लम, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया, इसके अंदर बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अभी बैठी में सब साफ करने लेके रखा है मैंने कांदा और शिमला मिर्च, अभी इसको साफ करूँ कि आज मैं बना रही हूँ कुछ, मतलब कुछ क्या, मैं शिमला मिर्ची बटाने और पनीर ये मिक्स करके बनाऊँगी आज सूखी भाजी। और आज मैंने वीडियो स्टार्ट किया है देखो शाम को मगरिब की नमाज़ पढ़ के, क्योंकि जैसे कि मैंने जब से बताया ना गर्म हो रहा है, आज सबसे हद ही पार हो गया। आज तो मेरे को बैठे बैठे पसीने टपक रहे थे, इतने ज़्यादा गर्मी थी। तो इसके लिए मैंने आज दिन भर में सुबह ज़्यादातर अवॉइड ही कर रही हूँ, और सुबह का टिफिन का भी वीडियो शायद मैंने नहीं बनाया। आज मैंने क्या बनाया था, कल मैंने बिरयानी बनाई थी तो उसका थोड़ा चिकन मैंने रखा था, तो उसका आज मैंने सुबह में सूखा चिकन और रोटी बनाई थी, तो इसके लिए मैंने उसका वीडियो नहीं बनाई। और फिर इसके लिए आज मैं थोड़ा शाम में वेज बना रही हूँ, क्योंकि दो कल भी नॉन वेज खाए थे, रात को बिरयानी खाई, तो सुबह में आधे लोग ने सालन खाए, तो मैंने बोला चलो बना लेते हैं आज हम लोग थोड़ा मिक्स भाजी के टाइप का। तो अभी मैं बैठी हूँ लेके शिमला मिर्ची कटिंग करने के लिए, सब भाजी बगाड़ दूंगी, आटा गूंद के रखूंगी, फिर ना ईशा की नमाज़ का टाइम हो जाएगा जब तक, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर देन उसके बाद रात को 9 बजे 9:15 बजे के बाद मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि नमाज़ होते होते 9:10 9:15 हो जाता है, 9 के बाद ही हो जाती है, फिर उसके बाद रोटी बनाऊंगी मैं, क्योंकि फिर 8 के पहले बनाने के बैठूंगी ना तो बहुत घाई घाई भी हो जाती है, 8:30 की नमाज़ान होती है, बहुत घाई घाई भी हो जाती है, और खाने तक बहुत रोटी ठंडी भी हो जाती है, इसके लिए मैं सोच रही हूँ और लेट बनाऊँ। और आज है मंगलवार, कल मंडे का तो मेरा दिन कैसे तैसे निकल गया। और कल मैं गई थी मेरे वोट देने के लिए, मेरा पहला वोट था मेरा, ये देखो इसका निशान है, पहला मतलब मेरा इलेक्शन वोटर कार्ड तो बहुत पहले ही बना हुआ था, टाइम हो गया था बनके, पर मैं कभी काम के चक्कर में कभी वोट देने जाती नहीं थी। तो वैसे तो मेरा इलेक्शन का जो कार्ड है वो चोरी हो गया घर से, जब रमज़ान में हमारे वहाँ चोरी हुई थी तभी उसके अंदर सब चला गया। मुझे लगा कि मेरे को अभी कल भी ऐसा नहीं था कि जाना है, पर मेरे को अचानक से लगा चलो सब लोग जाएंगे तो मैं भी देखती हूँ इस बार ट्राई करके। तो वहाँ आगे जाके मेरे भाई ने फिर इंक्वायरी वगैरह किया, तो वहाँ पर नाम था, मतलब चिट्ठी तो घर पे नहीं आती मेरी कभी भी, तो वहाँ जाके चेक किया तो नाम निकला, तो मैं गई, पहली बार मैंने वोट दिया। नहीं तो मेरे को वोट भी देने का मतलब ऐसा इंटरेस्ट नहीं आता था, पर इस बार मैंने इंटरेस्ट के साथ जाके वोट दिया, मेरे को ऐसा घाई थी कि चलो देखेंगे, तो जाके वोट देखे आया। देखते 4 तारीख के बाद पता चलेगा जिसको वोट दिया वही जीते या कोई और जीते। अब जिसको वोट दिया है वो तभी बताऊंगी जीतने के बाद में, हारने के बाद में, दोनों टाइम पे। तो चलो फिर अभी ये बनाती हूँ वेज भाजी, साफ करती हूँ, पनीर भी है फ्रिज में, उधर डिमांड से मेरे यहाँ पर सूजन हुआ है, क्योंकि वो पीछे का जो मसौड़ा होता है ना सूज गया, आज 8 दिन हो गए, कुछ भी बात भी करी ना ये चमड़ा ऐसा हो रहा है, मेरे को कट रहा है चमड़े को बार बार बहुत ज़्यादा फूक गया है, तो उसको या तो फिर कम भी नहीं हो रहा, बीच में सुस्ता है कम होता है ऐसे चल रहे हो। तो चलो देखते हैं अभी ये बनाते हैं भाजी। भाजी बनाने के बाद आपको बीच में शॉट लूँगी तो ले सकती तो ले लूँगी, या तो फिर आप लोग को पूरी भाजी बनाने के बाद आप लोग को दिखाऊँगी मैंने कैसे बनाया। सिंपल है, ज़्यादा तामझाम नहीं है, सिर्फ आलू बोरी वटाना शिमला मिर्च और पनीर कांदा टमाटर, बाकी अपने घर के जो मसाले होते हैं वो डालूंगी बस, और कुछ नहीं। तो बाकी मिलती है आपको थोड़ा टाइम बाद, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जो भी वीडियो देखते हो लाइक करके ज़रूर जाना, वीडियो को पूरा देखना। तो इसके अंदर मैंने जीरा हींग कड़ी पत्ता डाल के ऑयल में कांदा फ्राई किया, उसके बाद मैंने शिमला मिर्च वटाने डाल के अच्छे से मिक्स किया, इसके बाद मैं 5 मिनट के बाद इसमें सब मसाले डाल दूंगी, और उसके बाद पनीर भी डाल के अच्छे से फ्राई कर। पहले ये शिमला मिर्च वटाना इसके लिए पका रही हूँ कि शिमला मिर्च में थोड़ा कच्चापन आता है, आटा मैंने साइड में रख लिया है निकाल के। तो ये भाजी बन के हो गई रेडी, एकदम सूखी सूखी बनाई मैंने, बस अभी के लिए ही, सुबह में टिफिन में दूसरी बना दूंगी कुछ। तो देखो कोथिंबीर ऊपर से थोड़ा गार्निशिंग के लिए डाल दिया, झटपट से बनी, मतलब ज़्यादा टाइम पास नहीं हुआ। शिमला मिर्च है, वटाना है और पनीर है, मस्त अच्छे से तेल में फ्राई किया, पानी एक भी बूंद नहीं डाला मैंने, इसको तेल में अच्छे से बनाया। तो कैसी लग रही है भाजी? मुझे अच्छी लग रही है। अभी चलो मैं बैठ रही हूँ अभी रोटी बनाने के लिए, बहुत दिक्कत है क्योंकि ना एक मिनट एक फ़ोटो ले ली थी इसकी, रोटी बनाना पड़ता है ऐसा। अब मैंने आटा तो देखो घून के रख दिया था, काफ़ी टाइम हो गया, थोड़ा गर्ड भुना था क्योंकि पतला हो गया था, आज सुबह में पतला हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। तो ये रोटी बनाने के लिए पतला, आज सुबह में धोया है मैंने पतला बिटला सब, इसको मैं बना बना के रखूँगी,
और इस पे ये करूंगी। और कभी भी ऐसा ले रहे हो ना तो लकड़ी का ही लेना, प्लास्टिक का बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। जब कटिंग करते हम लोग इसमें ना प्लास्टिक भी कट होता है, फिर वो खाने में आता है। मेरे साथ दो बार एक होटल में हो चुका है, तो जब से मैंने वो होटल में भी जाना बंद किया, इससे पहले मैं दो तीन बार होटल में गई हूँ, उसका वीडियो भी बनाई हूँ, तो उसके अंदर एक चॉपिंग कर रहे थे ना इसके, इसका प्लास्टिक का जो साचा हो, क्या होता है, कट कट कर करके, तो इसके अंदर का निकल के हमारे खाने में आ गया था। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हो गया हमारे साथ। दो बार हम फैमिली के साथ गए थे तभी हुआ, एक बार हम अकेले गए थे, एक बार फैमिली के साथ गई थी मैं तभी भी हुआ, और एक बार फ्रेंड लोग के साथ गई थी तो मेरे दूसरी फ्रेंड को हुआ ऐसा। तो जब से हम वो होटल में जाना ही बंद कर दिए, उनको ओनर को बताया था हम लोग ने ये लापरवाही का, पर अब उससे अच्छा गई नहीं मैं होटल में। तो चलो कल ही देखो राशन भरा है, आटा 5 किलो, चावल 5 किलो। अरे डब्बे धोई थी मैं कल, इंशा आई थी तो इंशा ने डब्बे की हालत कितनी गंदी कर ली है। तो चलो फटाफट बनाते हैं रोटी, अभी इसमें कितने रोटी बनते हैं बनाते है। फिर आप लोग को मिलती हूँ पूरा रोटी बनाने के बाद। और अभी रात के बज रहे हैं 9:05 हो गए, अभी मैं जस्ट ईशा की नमाज पढ़ के उठी, तुरंत बनाने के लिए बैठी रोटी। तो चलो बनाते हैं फटाफट, फिर आप लोग को बनाने के बाद मिलती हूँ। अभी गर्मा गर्म रोटी, अभी चलो इसको ढकते ढक्कन, कहाँ गया ढक्कन ही नहीं रखती मैं, किधर भी रखती हूँ। ये छोटा है ना तो ऐसा फोल्ड कर करके रखना पड़ता है, नहीं तो फिर मैं अच्छे से गोल गोल, गोल तो नहीं बनते पर ऐसा गोल गोल रखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो चलो बन के अभी रेडी हो गया है। यहाँ पर अभी भी शूटिंग चल रही है, बाहर दिख रहा है कि नहीं आपको, पता नहीं दिख रहा होगा, वैन खड़ी है, और अभी एक्टर्स भी बैठी थी यहाँ पर, पता नहीं चली गई। और एक मसला हो गया था, ये फ्रिज मेरा ना रात भर ऐसे खुला ही रह गया था। मैं सुबह में जब उठी ना तब देखी ऐसा खुला, इसमें थोड़ा ठंडा कम हो रहा है, पर मेरा जो सामान रखा हुआ था इसमें दूध भी रखा था, वो दूध वगैरह सब फट गया था, दही खराब हो गई थी, पता नहीं कैसे मिक्सी खुला रह गया, समझ में नहीं आ रहा ये। अभी चलो ये भी आए लगते, फिर आप लोग को मिलती हूँ थोड़ा टाइम बाद। पर फ्रिज अगर मेरी ख़राब हो गई ना, अगर ठंडा नहीं हुआ ना, तो मैं देख लेना फिर क्या नुकसान होगा मुझे। तो चलो बज गए 9:45, अभी जस्ट रोटी बना के हो गया, थोड़ा बैठते हैं अभी, फिर आप लोग को मिलती थोड़े टाइम बाद। दरवाज़ा खुला रखती हूँ कि गाड़ी का आवाज़ आया, हाँ नहीं देखो बुलेट है ना, बुलेट का धड़ 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 आवाज़ आना स्टार्ट हो गया, हो जाता है। देखो वैनिटी यहाँ पर खड़ी है, अभी वो एक्ट्रेस भी यहाँ बैठी थी शायद से, अभी वो जो उनके साथ में काम करते वो जा रहे थे। तो चलो मिलती आपको थोड़े टाइम बाद। तो हम लोग बैठे खाना खाने के लिए, तो इन लोग ने आज लेके आए थे मोमोज, तो मुझे बहुत दिन से खाने हो रहा था मोमोज। तो चलो मिलते कल के ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।